उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुट गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसमें देहरादून जिले में ही अब तक 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात तो यह है कि देहरादून के अलावा नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में अभी यह आंकड़ा दहाई में नहीं पहुंच पाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंपलेट छपवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहा है और हर जगह सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं और मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए आज हमने 15 विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में, और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी की, देहरादून में भी की है। और हमारा एक बड़ा अभियान यह है कि सोमवार से लेकर हम हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं, वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानियों की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम होते जाएँ। तो ये एक बड़ा अभियान हमने लिया है और आज सभी एलाइड विभागों की मैंने यहाँ पे समीक्षा बैठक की है। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रचार अभियान के लिए मैंने कहा है कि हर पॉम्पलेट निकाल के अखबारों में विज्ञापन देख के सभी विभागों को इसमें अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं।